अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री व किसान नेता ने आज राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही लता मंगेशकर चौक से पदयात्रा निकाली। पदयात्रा श्री राम जन्मभूमि हनुमान गढ़ी पहुंची। सभी समर्थकों ने दर्शन पूजन किया। वहीं पत्रकारों पर ईडी की जांच कराई जाने को लेकर मंत्री ने कहा कि जिस तरह सरकार ईडी की जांच करा रही है बहुत ही गलत है, नहीं होनी चाहिए थी और लोकशाही नहीं है, इस तरह से तो मुगल शाही होगा। भगवान राम का नाम बिना मुगल जैसे राज्य करना सही नहीं है। राम भवन देखो उत्पादन खर्चा है, मैं इसकी बोले तो जितना उत्पादन खर्चा आता है उससे 15% मुनाफा लेके कम से कम हमको उतना मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता। केंद्र सरकार जब मूल्य आधारित भाव निकालते हैं, MSP जो निकालते हैं, तो उसमें मुनाफा का बात ही नहीं है, मुनाफा लिया ही नहीं है उसमें, कोई शब्द मुनाफा को ही उसमें डाला नहीं। फिर बगैर मुनाफा हमारा किसान कैसा जिंदा रहेगा? सालों बीत गए, मैंने बोला था हम दुप्पट बढ़ा देंगे, उसको डबल करेंगे, तो कहाँ डबल हुआ? जब मोदी जी नहीं आए थे तब धान के भाव जो मूल्य था वो 1600 था, अभी 1900 है, तो कैसा डबल हुआ? हाँ, जो कानून ला वो ला रहे थे उससे तो और बेकार होता था। फिर अदानी अम्बानी का राज चलता था, यहाँ की मंडी उनकी होती थी, हर मंडी में अपना राज चलता था, जितना हो उतना खरीद लेते थे और फिर जिसको जा उसको रोकना है वो रोक देते थे। अभी प्याज हम नहीं भेज सकते बाहर, 40% आयात निर्यात शुल्क लगा दिए। तो जब भाव बढ़ जाते हैं तो तुम आड़े आ जाते हैं, जब भाव कम हो जाता तब सरकार कहाँ जाती? अब टमाटर के भाव कम हो गए कहाँ गई सरकार? प्याज के भाव जब कम हो जाते तब सरकार कहाँ जाती है? तो प्याज बढ़ जाता है तो नहीं खाए तो मरता तो नहीं ना कोई, ऐसा कोई है हिंदुस्तान में प्याज नहीं खाया मर गया? लहसुन खाना दूसरा कोई? लेकिन ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है, ये लोकशाही नहीं है। चाहे मैं BJP के साथ राज्य में हूँ लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए इस तरह से। फिर मुगल शाही होंगे, प्रभु रामचंद्र का नाम लेना और मुगल की जैसा राज्य करना ये अभिप्रत नहीं है। ठीक है, संभाला जाए, वो बेसारा ना हो जाए ये भी देखना जरूरी है। कुछ पूंजीपति के ही खाली योगदान जगह दी जाएंगी, उनको ही बड़ा हो जाए, बड़ा करने का काम होगा, तो ये राम राज्य नहीं होगा। किसान बड़े मेहनत से अपना अनाज निकालता है, सालों लग जाते हैं उसमें, अपना खून पसीना बहा देता है, पूरी ज़िंदगी लगा देता है और दाव पे लगा देता है। कभी कहाँ बाढ़ आ जाएंगी, कब कुछ आएगा कोई पता नहीं, कितने भाव मिलेंगे, कौन लाठी मारेगा ये भी पता नहीं, कौन खाएगा उसको वो भी पता नहीं है, तो भी दाव पे लगा देता है और उसी का प्रतीक लेकर, उसकी मेहनत का प्रतीक लेकर हमने वो फसल इधर लाया था। प्रभु रामचंद्र जी का पहली बार हुआ होगा, सब तो फूल माला चला रहे थे और हम किसान का गन्ना और सोयाबीन लेके आए थे, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि किसान के हित में सरकार आए और किसान के हित के लिए सरकार ने कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए हमने देखो आज किसान और मजदूर की अगर संख्या पूरे देश में अगर देखें तो 65 तक जाती है टक्के, उसमें परसेंटेज में 65 में उसके बजट में उसके लिए हिस्सा कितना रखा जाता, खाली 10%, तो 10% में कैसा हो उसके अच्छा होगा? 20% 10% हमारे यहाँ हमारे नव जो कर्मचारी अधिकारी है वो 20% भी नहीं है, लेकिन भागीदारी कितनी है? 60% है। हर राज्य में भागीदारी कर्मचारी अधिकारी की बढ़ गई लेकिन किसान की भागीदारी अभी तक मजदूर की भागीदारी नहीं है। तो हम चलाते हैं कि जाति का आरक्षण आ गया नौकरी के लिए और आर्थिक आरक्षण होना हम किसानों के लिए, बजट में हमारा स्थान क्या है? तुम जो बजट पेश करते हैं उसमें किसान खाली किसान का देश है ऐसा बोलकर नहीं होगा, ये प्रभु रामचंद्र का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, ये मंगल पांडे जी का देश है, ये भगत सिंह का देश है, महात्मा गांधी जी का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। इन्होंने जो राजों ये जिन्होंने देश लोगों के लिए बलिदान किया, आप बातों से नहीं जीत सकते, काम से जीतना पड़ेगा। 2024 का चुनाव तो मेरे को लगता है कि आखिर लोगों को किस तरह से आप पेश करेंगे, क्या दिया है लोगों को, कांग्रेस ने क्या दिया बदले में, BJP ने क्या दिया, दोनों का तो तुलना होगी।
और उसमें लोग चुनेंगे क्या किसको देना है।